क्वेश्चन नंबर थ्री है अपने सामने, इसमें कह दिया इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी एस इज 90 डिग्री, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इफ ए डी इज 8.4 सेंटीमीटर एंड बी डी इज 4.8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी 90 डिग्री का है, ए डी बी सी के लंबवत है, यदि ए डी 8.4 सेंटीमीटर का है और बी डी 4.8 सेंटीमीटर का है तो बी सी क्या है। देखिए सबसे पहले बनाते हैं अपन डायग्राम, ये बनाया अपन ने डायग्राम, एंगल ए ये रहा, ये बी है और ये सी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए से एक लंबवत खींचा गया डी, ये ए डी है और ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद अपन को दिया क्या क्या है, अपन को ये दिया ए डी 8.4 सेंटीमीटर, अपन को ये दिया बी डी कितना दिया 4.8 सेंटीमीटर। तो देखो इसका तो डायरेक्टली सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, ए डी स्क्वायर बराबर होता है क्या बी डी इंटू डी सी, ए डी का स्क्वायर इसकी साइड का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के गुणा के बराबर, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, सबको याद होना चाहिए। इसमें रख देते हैं वैल्यू, ए डी का स्क्वायर कितना 8.4 × 8.4 बराबर बी डी क्या है, बी डी है 4.8 और डी सी अपन को निकालना है, डी सी निकालेंगे जभी तो बी सी निकाल पाएंगे। तो इसको काट लेते हैं 12 से काट लेते हैं, 12 × 48 12 × 7 = 84, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा, 4 × 2 = 8 4 × 1 = 4 2.1 और 2.1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 = 7 × 2 = 14.7 क्या आ गया अपने पास डी सी। लेकिन अपन से डी सी तो पूछा ही नहीं है, अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी के लिए डी सी बी डी और डी सी को जोड़ दो, बी डी और डी सी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा। ये कितना है, ये 4.8 क्वेश्चन में गिवन था, ये अपन ने निकाल लिया कितना 14.7, दोनों को जोड़ेंगे क्या जाएगा 19.5, कौन सी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ठीक है।